नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जीएन भारत। राजभवन जो धरना स्थल है, यहाँ पर हमेशा खचाखच भीड़ भरा रहता है। और आज जरा आप दृश्य देखिए, आप दृश्य यहाँ पे देखने लायक है। अभी जितना धरना देने वाले लोग थे, सारे को पुलिस ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि राष्ट्रपति आने वाले हैं, और राष्ट्रपति आने वाले हैं तो आप लोग को ये देखना नहीं चाहते हैं वो। तो उनका मांग का क्या हुआ? तो मांग फिर बाद में आप धरना दे सकते हैं। और यहाँ पर सारे लोगों को तो हटा दिया गया है, लेकिन एक आदमी हमको दिख रहे हैं यहाँ पर कि जो अड़े हुए हैं कि यहाँ से हम नहीं जाएंगे। इनसे भी हम जानेंगे कि क्यों सबको हटा दिया गया, लेकिन इनको भी हटाया गया था, ऐसा ये बोल रहे थे कि इनको भी हटाया गया। हाँ राजेश जी, एक बात बताइए, सबको हटा दिया गया, क्यों हटाया गया पहले ये बताइए। यहाँ राष्ट्रपति का आगमन होना था रांची में, 2 दिवसीय उनका दौरा था, तो इसी वजह से यहाँ खाली करने को बोला गया कि अब सब लोग खाली कीजिए। और जो भी यहाँ टेंट वगैरह बना हुआ था सबों का उखाड़ दिया गया। सारा पोस्टर जो लगा हुआ था सबों का पोस्टर पुलिस द्वारा ले गया, खोल के ले जाया गया, और यहाँ से सबों को खाली करा दिया गया। मुझे भी यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन मुझे कहीं दूसरे जगह रहने का जगह नहीं मिलने की वजह से मैं फिर यहीं आ गया हूँ। और यहाँ मैं अकेले हूँ, रात में भी मैं अकेले रहता हूँ। हम दिखाने वाले हैं, आप देखिए, वो राजभवन का मेन गेट है, जो गेट नंबर 1 है, वहाँ पर देखिए कितना पुलिस बल की तैनाती की गई है। और यहाँ से वहाँ तक सारे पुलिस बल की तैनाती की गई है, भारी संख्या में पुलिस जुटे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सारे लोग हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जितना भी टेंट गाड़ा हुआ था, टेंट सारा उजाड़ दिया गया है, पोस्टर जितना था पोस्टर हटा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना शांति लग रहा है, जो कि नॉर्मल दिन में आप यहाँ पर आते तो देखते कि इतना खचाखच भीड़ भरा रहता है, लेकिन आज भीड़ पूरा शांति दिख रहा है। तो एक बात बताइए, जो गए हैं, झारखंड स्थापना दिवस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सारे लोग आ जाएंगे फिर? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ डटा रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब मेरा 6 महीना से ज़्यादा समय हो गया, मैं 3 मई से बैठा हुआ हूँ, और मैं लगातार लोगों से भेंट भी किया, मैंने बहुत लोगों से भेंट किया, बहुत जगह मैंने आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। और जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ रहूँगा। मैं 70% दिव्यांग हूँ, इस हालत में यहाँ हूँ, अकेले में हूँ। मैं जब भी खाना वगैरह खाने का आता है तो मेरे साथ बहुत अधिक समस्या है, मैं बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए यहाँ बैठा हूँ। यहाँ एक आदमी यहाँ रहना कितना कठिन है, और रात में भी ऊपर में जो छावनी था वो भी उजाड़ दिया गया, और ठंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।